हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ANM Tutorials में। मैं आज आपके इस नए सेशन पे स्वागत करता हूँ और मैं आज आपको जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में बताऊँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो हमारी पार्ट पार्ट में चलेगी, जैसे एक मंथ के, जैसे जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ के दो पार्ट में आएंगे वीडियोज़। 15 दिन का एक वीडियो आएगा और एक 15 दिन का वीडियो आएगा, मतलब 15 डेज़ की वीडियो मैं कवर अप करूँगा, बिकॉज वीडियो भी लेंदी नहीं होनी चाहिए और आपको देखने में भी आसानी हो, है ना, और वीडियो भी अच्छे से बन पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक मंथ को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डेज है मैं उनको कवर अप किया हूँ इस वीडियो पे। अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो लाइक करिएगा। और मैं यहाँ पे एक नोट और आपके लिए ऐड करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैंने जो अभी लेटेस्ट में वीडियो अपलोड करी है उस वीडियो में थोड़ी साउंड के इशू आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उस वीडियो को दोबारा अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको कंटिन्यू देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आते हैं अपनी वीडियो पे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, एक जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो 1 जनवरी को हम ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट करते हैं। वो तो हर किसी को पता ही होगा और ये एग्जाम के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसे मैंने बस एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है। ठीक है, सेकंड हम जानते हैं कि 4 जनवरी को बोलते हैं वर्ल्ड ब्रेली डे। ठीक है ना, ये लुइस ब्रेली करके एक पर्सन थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, ब्लाइंड पर्सन हैं, उनके लिए इन्होंने एक मतलब एक शैली प्रस्तुत करी थी। ठीक है, मतलब पढ़ने का एक जरिया, ठीक है ना, जिसके थ्रू वो टच करके मतलब उस चीज को पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट थे लुइस ब्रेली करके, इनके नाम से ये डे मनाया जाता है 4 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 9 जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स, 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो NRI मतलब कि वर्ल्ड प्रवासी डे, ठीक है ना, भारतीय प्रवासी डे मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि मतलब जो बाहर से मतलब कि फॉरेन से गांधी जी वापस आए थे इंडिया। ठीक है, फॉरेन से गांधी जी मतलब कि वापस आए थे इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से गांधी जी वापस आए थे इंडिया। ठीक है, तो इसकी खुशी में क्या बोलते हैं ये डे मनाया जाता है। और गांधी जी कब वापस आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में आते हैं हम 10 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को, क्यों ये देखिए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हिंदी कोई हम मतलब कोई हिंदी वो नहीं है ना, मतलब एक बोलते हैं कि कोई शब्द शैली नहीं है इसका, कोई ये पर्शियन एक वर्ड है। ठीक है, पर्शियन जो लैंग्वेज होती है पर्शिया की, उसके ऊपर ये वर्ड है हिंदी। ठीक है, ये इसको मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। ठीक है, 11 जनवरी को मनाया जाता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय जी की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। ठीक है, अब ये देखिए इन्होंने क्या किया था लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय जी ने PNB जो बैंक था उसकी स्थापना की थी। ठीक है, 2 पर्सन थे, लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मंजीतियाल। ठीक है, दयाल सिंह मंजीतिया, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या बोलते हैं PNB बैंक की स्थापना करी थी। और PNB बैंक की स्थापना कब करी थी, 1894 में। फ्रेंड्स, अगर आपको रिलेट करके पढ़ेंगे दोनों चीज़ों को, तो आपका एक GK का भी पार्ट तैयार होते जाएगा और एक आपके डेज तो तैयार होते ही जाएंगे। एग्जाम में आपके 2 से 4 नंबर इसमें पक्के हो जाते हैं अगर आपने डेज पूरे याद रख लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे RRB का हो, चाहे SSC का हो, चाहे स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, आपके फिक्स हो जाते हैं 2 से 4 नंबर फ्रेंड। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और अगर आप इसको कंटिन्यू देखेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, पंजाब केसरी की भी स्थापना लाला लाजपत राय जी ने करी थी। अब मैं आपको कुछ बुक्स भी बताऊंगा, अभी नहीं, ये वीडियो जैसी मतलब लास्ट में हम पहुंचते हैं डेज में, उसके बाद मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगा, 4 से 5 पुस्तकें हैं जो कि बहुत बार रिपीट होती है लाला लाजपत राय जी द्वारा लिखित। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट में आते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या किस रूप में मनाया जाता है वो तो आपको भी पता होगा। 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो ये मनाते हैं विवेकानंद जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे। ठीक है, विवेकानंद जी का इस दिन बर्थडे मनाते हैं। विवेकानंद जी आपको पता ही होगा 1984, ठीक है, और इसको जो लागू किया गया था वो कब किया गया था, 1985 को, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा इसे पारित किया गया था 1985 में। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोहरी। ठीक है, लोहरी क्या होता है, एक पंजाबी का त्यौहार होता है। ठीक है, लोहरी इसे 13 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम मनाते हैं हिंदू पर्व है मकर संक्रांति। ठीक, और दूसरा बोल सकते हैं हम आर्मी डे। ठीक है, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है उस दिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम क्या बोलते हैं पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं।
ठीक है, जो कि लाला लाजपत राय जी द्वारा लिखित है। तो सबसे पहली पुस्तक है फ्रेंड्स यंग इंडिया। यंग इंडिया ये कब लिखित है, तो ये 1916 में लिखित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो आर्य समाज। ये कब लिखित है, तो ये 1915 में। ठीक, और मैं बुक्स बना देता हूं आपको, द पॉलिटिकल फीचर ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी थी, तो ये भी लाला लाजपत राय जी ने लिखी थी। ठीक है, द स्टोरी, और एक और बता देता हूँ आपको, द यूएसए, मतलब यूनाइटेड, ये यूएसए ऑफ हिंदू इम्प्रेशन, एक मिनट आपको बता देता हूँ, दी यूएसए ऑफ हिंदू इम्प्रेशन, ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक भी आपका लाला लाजपत राय जी ने लिखी थी। ठीक है, 1916 में। ठीक, 1916 में। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये लाला लाजपत राय जी वही है जिन्होंने जो तीन थे, लाल, बाल और पाल। ठीक, लाल मतलब भी लाला लाजपत राय, बाल मतलब कि बाल गंगाधर तिलक, और पाल कौन होंगे बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पाल कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जो मैं 15 दिन के जनवरी के और नेक्स्ट 15 दिन की 15 दिन क्या क्या है, कौन कौन